फटाफट आम लेकर आए और इससे चटनी बनाए। और ये मैं बिल्कुल नए तरीके से चटनी बनाना बता रही हूँ, आप खुद भी सोचेंगे अरे वाह इस तरह से हम चटनी बना सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए पके हुए आम से चटनी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और स्वादिष्ट है। आप इसे फटाफट बना सकते हैं। तो अभी आम का सीजन है, आम अभी बाजार में मिल रही है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पके आम से चटनी बनाने के लिए मैंने यह एक आम ली है, ये आधा किलो आम है। आप चाहे तो दो आम ले सकते हैं। दो प्याज, लहसुन, अदरक, कुछ मसाले और एक लाल मिर्च, कुछ इलायची, 5-6 इलायची। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आम को छीलकर बारीक बारीक काट लूंगी और प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। लाल मिर्च को भी बारीक बारीक काट लेंगे। आम की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक आम ली है जो करीब आधा किलो है। इसे हम छील कर और इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। और दो प्याज लिया है, इसे भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो सबसे पहले आम को हम छील कर इसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आम को छील लेंगे। तो इस तरह से आप चाकू की सहायता से आम को छील लें। पीलर से भी छील सकते हैं। ग्रीन पार्ट पूरा हटाना। आपको जो भी आम मिले इस वक्त जिसमें गुदा अच्छा हो वो आप आम ले आए, छिलका हटा दें पूरी तरह। आम के छोटे छोटे पीस काट लेंगे, स्लाइस काट लें। इस तरह से भी काट सकते हैं। आम को काटने के बाद सबसे पहले मन करता है कि हाथ को अच्छी तरह से धो लें। तो अब मैं सबसे पहले हाथ को धो लेती हूँ और इस गुट्टी से पल्प निकालने के बाद आप इसे आराम से चूस लें। तो इसे चूस के इसके स्वाद का आनंद लें। इसे बारीक बारीक काट लेंगे। और मैंने 5-6 लहसुन लिए और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। अदरक और लहसुन का हम पेस्ट बना लेंगे। लाल मिर्च, इसे भी मैं बारीक बारीक काट लूंगी। आप इसका बीज निकाल दें। मैं इसमें अदरक और लहसुन को डाल चुकी हूँ और इसका पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसे बारीक कद्दूकस भी कर सकते हैं। एक फ्राइंग पैन को मैंने गैस पे रख दिया। आप चाहे तो कढ़ाई या भगोनी में भी बना सकते हैं। इसमें डालूंगी 1 चम्मच साबुत धनिया, जीरा 1/2 चम्मच, 4-5 इलायची के दाने जिसे मैंने निकाल लिया है। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। करीब 1 मिनट आप भून लें जिससे इसकी नमी निकल जाए। और अब गैस को बंद कर देंगे, इसे ठंडा कर लेंगे। इसे अब हम अदरक कूटने वाले में डाल के दरदरा कूट लेंगे। हल्का सा हमें इसे कूटना है। इसे दरदरा कूट लिया है। दरदरा कूटने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। वापस से उसी पैन को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, नॉर्मल साइज की चम्मच ली है मैंने। आप इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें। इसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया, इसमें मैं डाल देती हूँ प्याज और इसे भून लेंगे। इसे चलाते हुए करीब 2 मिनट भून लें। अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी और गैस के फ्लेम को मीडियम पे ही रखें। आम को छीलने के बाद जो गुदा निकला है वो करीब 340 ग्राम है। आप मेजरमेंट के लिए इस तरह की मशीन घर पे मंगा सकते हैं, जो किचन में बहुत ही उपयोगी है और इसे यूज करना भी बहुत आसान है। तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे मंगा लें या आप इसे परचेज कर लें। तो कभी भी कोई भी चीज़ आपको नाप के बनाना हो तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसे आप जरूर अपने किचन में रखें। 2 मिनट हो गया है। जो साबुत मसाला भूनकर मैंने कूट के रखा है उसे डाल दूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच और इन्हें अच्छी तरह से भून लें। मसालों को करीब 2 मिनट भून लें। इस बार चटनी आप इस तरह से बना के देखें। शायद आपने कभी प्याज के साथ चटनी नहीं बनाई होगी, पर आप एक बार बना के देखें, इसे आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। और इस चटनी को हम लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हैं, क्योंकि आम तो सालों भर मिलता नहीं है, सीजन में ही आता है। तो आप आम को भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये चटनी सभी को बहुत पसंद आएगी।
मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे विनेगर, व्हाइट विनेगर या कोई भी विनेगर आप ले लें, आप व्हाइट विनेगर यूज कर सकते हैं। ये करीब मैंने 4 बड़े चम्मच लिए और ग्राम में देखें तो 70 ग्राम, इसे इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला दें, गैस के फ्लेम को मीडियम पे ही रखें। अब इसमें डाल देंगे चीनी, 100 ग्राम चीनी लिए और चम्मच से देखें तो करीब 6 बड़े चम्मच चीनी लिए, इसे मिला दें अच्छी तरह से। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें और आम कितना मीठा है उस हिसाब से भी चीनी एडजस्ट कर लें। चीनी को भूनने तक इसे चला लें, धीमी आंच में इसे हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद आम को हम इस ग्रेवी में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला दें, ढककर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गया है, अब एक बार इसे संभाल लेती हूँ और कुछ मसाले भी डाल देंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख पाएं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने नियरेस्ट डियरेस्ट के साथ शेयर भी जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और आप इसे कहां से देख रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कलौंजी, ओनियन सीड 1/2 चम्मच है ये, नमक 1/2 चम्मच, मैंने यहाँ सेंधा नमक डाला है, आप सादा नमक डाल सकते हैं, काला नमक 1/4 चम्मच। कलौंजी को आप बिना पीसे ही डालें, आप कभी भी अचार बनाएं, पराठा बनाएं या नमकीन वगैरह बनाएं तो उसमें आप कलौंजी को साबुत ही डालें। ये थोड़ा गाढ़ा होने पे आ गया है, अब मैं इसे और 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूंगी। फ्लेम का ध्यान रखें, फ्लेम मीडियम पे ही रखें। 10 मिनट हो गए इसे ढककर पकाते हुए और अब मैं इसे एक बार अच्छी तरह से चला लूंगी। इसे हल्के हाथों से चलाएं। अब इसे बिना ढके हुए 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे कर दें। इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, अगर आपके पास ताजा लाल मिर्च नहीं है तो चिल्ली फ्लेक्स या फिर सूखा हुआ लाल मिर्च डाल दें, बस उसका बीज निकाल दें। इसे अच्छी तरह से मिला दिया और अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। चटनी को पकाते हुए करीब 20 मिनट होने को आ गया है और मैंने इसे एक बार बीच में चला भी दिया था और ये बनकर तैयार है। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा होगा, तो अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही टेस्टी चटनी लगती है ये। चटनी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, अब हम इसे एक कांच के जार में डाल लेंगे। एक कांच का जार लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है और इसे मैंने गैस पे थोड़ी सी देर घुमा लिया था जिससे कि इसकी नमी अच्छी तरह से निकल जाए और ये स्टेरलाइज हो जाए। तो आप कांच का जार जब भी लें उसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लें और स्टेरलाइज कर लें। आप चाहें तो प्लास्टिक का जार भी ले सकते हैं, पर प्लास्टिक का जार अच्छी क्वालिटी का लें। अब मैं इसमें चटनी को डाल लेती हूँ। पके आम की चटनी बनकर तैयार है, आम आप जल्दी से लाएं और इस चटनी को बनाएं। इस चटनी को आप आराम से पराठा, नान, कुलचा, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं, इवन ब्रेड में भी लगा के खा सकते हैं। देखा कितना आसान है आम की चटनी बनाना, वो भी पके आम से। तो आप भी इस चटनी को बनाएं और इसके स्वाद का आनंद लें। और ये चटनी बनाने का तरीका भी बिल्कुल नया है, आपने शायद अभी तक इस तरह से आम की चटनी नहीं बनाई होगी और ना ही खाई होगी, तो इस बार आप जरूर से जरूर इस तरीके से आम की चटनी बनाएं। और आम का सीजन भी खत्म होने वाला है तो आप फटाफट आम लेकर आएं और इसकी चटनी बनाएं। आम की बहुत सारी रेसिपी शेयर करिए, आप उसे भी देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने नियरेस्ट डियरेस्ट के साथ इसे जरूर से जरूर शेयर करें, कॉमेंट करके बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जय श्री कृष्णा।